आजमगढ़ रोडवेज स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता कर वीआईपी पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि निषाद समाज के सभी उपजातियों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। अति पिछड़ी जातियों के आरक्षण हेतु उपजातियां जैसे कश्यप माझी, मल्ला, निषाद केवट, बिंद सानी, गौड़ गोडिया, मुजाबिर, तुराया, तुरा, धीमर, बाथम, कुरिया, कहार, प्रजापति, राजभर, चौहान आदि जातियों को आरक्षण दिलाने को लेकर विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक बीआर सरकार मुकेश सहनी के आरक्षण संकल्प यात्रा को सफल बनाने के लिए गुरुवार को रोडवेज स्थित एक होटल में वीआईपी के युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि निषाद समाज के कुछ उपजातियों के लोगों में भ्रम है कि आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी इसी आरक्षण को लेकर आरक्षण संकल्प यात्रा यूपी बिहार और झारखंड में लेकर चल रहे हैं। निषाद समाज को आरक्षण दिलाने की मांग की वकालत पहले भी बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और मायावती ने किया था। प्रस्ताव बनाकर भी सरकार को भेजा था। निषाद समाज के लोगों को आरक्षण मिले इसी को लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। समाज के लोग भ्रम की स्थिति में न रहे, निषाद समाज के सभी उपजातियों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस दौरान पार्टी के प्रदेश सचिव राजेंद्र प्रसाद निषाद, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप निषाद, जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश निषाद, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अमित निषाद, रणविजय कश्यप, प्रदीप निषाद, मुखराम निषाद, संजय निषाद, जिलाजीत निषाद, पूरन निषाद आदि लोग मौजूद रहे। देखिए, प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे पार्टी के मुखिया वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया सन मल्ला मुकेश सहनी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार के हैं, वो आरक्षण संकल्प यात्रा लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में चल रहे हैं। इसी आरक्षण संकल्प यात्रा के दौरान वो उत्तर प्रदेश में आके और जा भी चुके हैं और फिर आने वाले हैं। पुनः 4 अक्टूबर को आजमगढ़ में आने वाले हैं और 9 तारीख को गाजीपुर और 10 तारीख को अपना चंदौली में भी आ रहे हैं। इसी 9-10 हम आप लोगों को इस ये इनवाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसलिए इनवाइट किए हैं कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो आरक्षण संकल्प यात्रा हम लोग लेकर चल रहे हैं, इसमें कई तरह की बातें हमारे लोगों को सुनने में आ रही है। जैसे लोग ये कह रहे हैं कि आरक्षण मिलेगा तो निषाद की कुछ उपजातियों को मिलेगा और कुछ उपजातियों को नहीं मिलेगा। तो मैं आप तमाम चैनल और तमाम मीडिया साथियों के साथ मैं इस बात को रखना चाहता हूँ कि जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि निषाद कम्युनिटी की कुछ बिरादरी को आरक्षण मिलेगा, कुछ बिरादरी को नहीं मिलेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आरक्षण मिलेगा तो सभी निषाद की सभी उपजातियों को मिलेगा। हम उसी